इन्फॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं आज के इस वीडियो के अंदर जो है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको जब भी कीवर्ड रिसर्च करें तो आपको इन तीनों के बारे में भी डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि आपका टारगेट जो कीवर्ड है वो कौन सा होना चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत, और रेगुलर हम इस कोर्स के अंदर अपडेट करते हुए चलते जा रहे हैं और अभी स्लोली ग्रेजुअली जो है हम एक्सपर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप भी एसईओ करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ में, और जिसमें हम ये पूरा कवरअप करने वाले हैं इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल। ये तीन तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कीवर्ड इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है या फिर आपका ट्रांजेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से। सो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, जैसा कि इसका नाम है इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा कीवर्ड जिससे जो क्लाइंट है या जो भी जो यूजर है जो सर्च कर रहा है उसके बारे में हम पता लगा सकें कि वो उसका इंटेंशन कैसा है। तो यहां पर जो है इंफॉर्मेशन की बात करें, यानी कि वो कोई प्रोडक्ट को परचेस नहीं करना चाहता, वो किसी भी प्रोडक्ट को जो है खरीदना नहीं चाहता है, या फिर जैसा भी आप बात करें, राइट। तो ऐसे में यहां पर वो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है, राइट। उसका इंटेंशन खरीदने का नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, से फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाउ टू कुक बिरयानी, राइट। हाउ टू कुक बिरयानी, सो बेसिकली somebody इज सर्चिंग ऑन the सर्च इंजिन कि मुझे बिरयानी। अब यहां पे हमारा जो इंटेंशन है यूजर का, वो ये नहीं पता कि वो बिरयानी खुद बनाएगा या किसी से बनवाएगा या किसी को फॉरवर्ड करने वाला है, यानी कि यहां पर सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि यूजर जो है वो बिरयानी कैसे कुक करी जाती है उसकी इंफॉर्मेशन चाहता है, बिरयानी कहीं से ऑर्डर नहीं करना चाहता। तो यहां पर ये कीवर्ड जो है वो आपका इंफॉर्मेशनल है। सेकेंड जो हमारा कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं कमर्शियल। अब कमर्शियल कीवर्ड यानी कि अब जो यूजर है उसकी इंटेंशन खरीदने की तो है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करना तो चाहता है या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना तो चाहता है, लेकिन अभी उसने स्पेसिफाई नहीं करा कि किस तरह का ब्रांड चाहिए या कोई उसने प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग सर्च नहीं किया है। अब एग्जांपल के लिए कीवर्ड कैसा होगा, सो कीवर्ड हमारा हो सकता है लाइक ऑर्डर बिरयानी ऑनलाइन, ये एक कमर्शियल हो गया, राइट। क्योंकि उसने कोई स्पेसिफाई ऑर्डर कैसे करना है तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है। अब क्योंकि वर्ड हो गया यहां पे ऑर्डर एंड ऑनलाइन, ये दो वर्ड जो है यहां पे इसको कमर्शियल बनाते हैं, यानी कि जिसकी एक वैल्यू बन सकती है, जिसके जरिए किसी की सेल हो सकती है, तो इसीलिए इसको जो है कमर्शियल कैटेगरी के अंदर ऐड किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांजेक्शनल। अब जैसा इस कीवर्ड का नाम है ट्रांजेक्शनल, यानी कि जिससे ट्रांजेक्शन की जा सकती है, ऐसे कीवर्ड को जो है हम यहाँ पे ट्रांजेक्शनल कीवर्ड के अंदर काउंट करते हैं। अब क्योंकि बिरयानी का ही हम पूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में मैं यहां पर भी आपको बिरयानी का ही एग्जाम्पल दूंगा। तो से फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर हैदराबादी चिकन बिरयानी ऑनलाइन। अब ये जो कीवर्ड है ये आपका क्या बन गया, ट्रांजेक्शनल बन गया, बिकॉज यहां पर जो यूजर है उसने क्या कर दिया, कंप्लीट स्पेसिफाई कर दिया कि व्हाट एग्जैक्टली ही और शी इज लुकिंग फॉर, लाइक ही और शी वांट टू ऑर्डर, बट क्या, हैदराबादी चिकन बिरयानी, राइट। वो भी ऑनलाइन वर्ड भी यूज कर रहा है प्लस ऑर्डर वर्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये अब एक स्पेसिफाई हो गया कि अब एक ऐसा यूजर है जो एक्चुअली में अब जो है ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। तो ऐसे में ये कीवर्ड जो है वो आपका बन गया ट्रांजेक्शनल, यानी कि अब ये तुरंत ही किसी ऐसी लिंक पे क्लिक करेगा जहां से ये हैदराबादी बिरयानी जो है, हैदराबादी चिकन बिरयानी जो है वो उसको ऑर्डर कर सके। सो गाइस, ये तीन तरह के जो कीवर्ड्स हमने आज के इस वीडियो के अंदर कवरअप करे, जहां पे मैंने एग्जांपल
एक ही कीवर्ड को आपको तीन तरह से कैसे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में बताया। आई होप गाइस कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। सो जल्द ही मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टाइटल के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी गुड टू अदर्स।